एवरीवन, आज मैं शेयर करने वाली हूँ वेरी ट्रेंडिंग टर्किश अबाया डिज़ाइन। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और फिर हमें इसकी शोल्डर्स की मार्किंग करनी है 10 इंच पे। यहाँ पर हम एक मीडियम साइज़ अबाया बना रहे हैं, सो 10 इंच पे यहाँ पर हमें इसके शोल्डर्स की मार्किंग करनी है और आर्म होल की मार्किंग भी हम 10 इंच पे ही करेंगे। और फिर इसे स्ट्रेट लाइन बना लेनी है और फिर आर्म होल का शेप दे देना है। एंड इसकी कोटी की जो लेंथ ली है हमने वो 14 इंच की ली है। ये मैं बताना भूल गई थी, ये 14 इंच की लेंथ की कोटी है। अब हम यहाँ से इस पे 1 इंच पे कट लगाएंगे और 1 इंच का हम यहाँ पर डाउन देंगे और 1/2 इंच का ऊपर डाउन देंगे और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब हमें जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको बीच में से 2 कर देने हैं इसके। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, 2 हो जाएंगे। इसमें हमने एक स्ट्रिप ली है और फिर इस तरीके से फोल्ड करके लगा लेनी है। और दूसरी साइड हमें पेस्टिंग की स्ट्रिप ली है, इस पर हमने पेस्टिंग पेस्ट की हुई है और फिर इस तरीके से उसको डबल साइड लगानी है। सो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि हमने ये पेस्टिंग और ये स्ट्रिप किस तरीके से ज्वाइंट की थी। सो ये देखिए, यहाँ पर फ्रंट में हमें एक साइड तो स्ट्रिप लगानी है इस तरीके से और फिर इसको सामने की साइड पलटकर उस पर टॉप स्टिच लगा लेना है। ये हमारे 1 साइड लग गई है। अब हम दूसरी साइड भी इस स्ट्रिप ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से एक स्टिच लगाना है और फिर इसको इस तरीके से हमने जो पेस्टिंग चिपकाई थी उस पर इस तरीके से शेप दे देनी है। ये हमने 1 इंच की चौड़ाई की पेस्टिंग ली है। ये हमारे दोनों ही पार्ट रेडी हो गए हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारे दोनों ही पार्ट इस तरीके से रेडी हुए हैं। हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर 2.5 इंच की विड्थ एंड 2.5 इंच की लेंथ की हमें कटिंग करनी है। यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग हो गई है। ये देखिए, अब जो हमारा बैक पार्ट है हमें उसकी 1 इंच का डाउन देकर उसकी भी कटिंग कर लेनी है। 2.5 इंच का विड्थ एंड 1 इंच का डाउन देकर हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट का पार्ट लेना है और इसमें 4 इंच पर यहाँ नीचे से निशान लगाना है और दोनों ही साइड 4-4 इंच पे हमको यहाँ पर मार्किंग करनी है और ऊपर से भी हमें 4-4 इंच पे जो हमारा नेक की साइड से हमको नेक की साइड से 4 इंच पे निशान लगाकर इस तरीके से दोनों ही साइड एक लाइन बनानी है। यहाँ पर हम स्ट्रिप लगाएंगे जो कि हमारी फ्लेयर वाली स्ट्रिप है। दोनों ही साइड इस तरीके से हमें चौक से मार्किंग करनी है। ये हमने सीधी साइड की है। अब हमने 1 3 इंच की चौड़ाई की स्ट्रिप ली है और उसमें एक साइड इस तरीके से स्टिच लगाया है। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक साइड स्टिच लगा दिया है और दूसरी साइड हमें इस तरीके से हल्के हल्के प्रेस करते जाना है और ये बहुत ही अच्छी फ्रिल बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर हमारी फ्रिल बन के तैयार हो गई है। अब हमने जो लाइन बनाई थी उसमें हम इस तरीके से लगाएंगे इधर की साइड रख के। यहाँ पर हमने गैदरिंग्स बना ही ली थी, ये फ्रिल हमारी बनके तैयार थी, तो हमें बस इसको इस तरीके से रखकर स्टिच लगाना है। स्टिच लगाने के बाद हम इसको इधर की साइड पलटेंगे, अपोजिट साइड इसकी, और फिर इस पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर मैंने लगा लिया है, दोनों ही पार्ट्स मैंने इसी तरीके से बना के तैयार कर लिए हैं।
फिर उसके बाद हमें इसमें शोल्डर्स जॉइंट कर लिए हैं इसके, और हमें इसमें नेक में इस तरीके से स्ट्रिप लगानी है और बैक की साइड पलट देनी है। यहाँ पर हमारी स्ट्रिप जॉइंट हो गई है, अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर 21 इंच की लंबाई का फैब्रिक लिया है और उसको इस तरीके से स्लीव्स का शेप दे दिया है। इसकी रिस्ट से कटिंग नहीं करनी है यहाँ पर, उसमें हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे या फिर गैदरिंग्स कुछ भी बना सकते हैं। और फिर इसको बीच से हमें अलग कर देनी है। ये हमारी टू स्लीव्स हो गई हैं। यहाँ पर हमने 10 इंच की लंबाई का और 3.5 इंच की चौड़ाई का एक पेस्टिंग पेपर फैब्रिक पे स्टिक कर लिया है और फिर उसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से हमें स्टिच लगाना है। यहाँ पर हमने कफ को फोल्ड कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन गया है। अब हमें इस पे एक टॉप स्टिच लगाना है साइड में। यहाँ पर कफ बन गया है, अब हमने स्लीव्स वाला फैब्रिक लिया है और उसमें एक रफ स्टिच लगाना है इस तरीके से, और फिर इसको ये एक धागे को हम खींचेंगे, इसमें गैदरिंग्स बन जाएंगी। और ये गैदरिंग्स आपको कफ के साइज़ की ही करनी है और कफ के साइज़ की करके और फिर उसमें स्टिच कर देना है। ये देखिए यहाँ पर हमने गैदरिंग्स लगा ली हैं, अब हम ये अपने कफ में जॉइंट करेंगे। जो हमने कफ बनाया है उसको इस तरीके से रख के जॉइंट कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स बन गई है और दोनों ही स्लीव्स हमने इसी तरीके से रेडी कर ली हैं। ये देखिए इस तरीके से दोनों ही स्लीव्स जॉइंट कर देनी है हमें। अब हम यहाँ पर इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो जो बचा हुआ फैब्रिक है हमें उसको फोर फोल्ड करके रख लेना है। यहाँ पर हमने इसकी लंबाई ली है 44 इंच की और ये फोर फोल्ड फैब्रिक है। 44 इंच की हमें यहाँ पर इसकी लेंथ लेनी है। सो 44 इंच का हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है और ये फोर फोल्ड फैब्रिक है तो उसकी आप लोग जिस तरीके से हमने स्लीव्स पर स्टिच लगाया था और गैदरिंग्स बनाई थी उसी तरीके से ही हमें यहाँ पर भी गैदरिंग्स बनानी है। इसके दोनों ही पार्ट्स में हम गैदरिंग्स बनाएंगे और फिर इसको इसमें जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर हमने जॉइंट कर दिया है और ये स्टिचिंग के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हमने इसमें बटन सेट किए हैं, यहाँ पर हमने फ्रंट में 4 बटन सेट किए हैं एंड कफ में 1 बटन ऐड किया है। और आप लोगों को इसका फाइनल लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।